नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीटीवी इंडिया न्यूज में आपका दोस्त देवेंद्र कुमार। हम इस समय विकासखंड बिजवा ग्राम पंचायत लकड़ावा जनपद लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर दिखा रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि आज ग्राम पंचायत लकड़ावा के अंदर युवा चौपाल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि गोला विधानसभा 139 के विधायक अमन गिरी रहे और विधायक प्रतिनिधि जवाहर वर्मा व बिजुआ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि वीरेंद्र भूषण, दिव्यांग मोर्चा के अध्यक्ष अमृत पाल सिंह, ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधि तनसीर खां व बूथ अध्यक्ष रवि प्रकाश व हरजीत सिंह व और भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रामीणों ने मौके पर उपस्थित होकर युवा चौपाल में भागीदारी निभाई। तो आए देखते हैं कि ग्राम पंचायत के अंदर आए हुए गोला विधायक अमन गिरी ने युवाओं को क्या संदेश दिया, देखिए पूरी खबर। युवा चौपाल और युवा चौपाल में इस हमारे बीच उपस्थित ब्लॉक बिजवा के प्रमुख प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र भूषण जी, हमारे ग्राम लखरावा के प्रधान श्री तनसीर खां जी, हमारे साथी उपस्थित गोला से चल के आए हुए हमारे अग्रज, हमारे गुरु श्री के शुक्ला जी, हमारे चाचा स्वरूप हमारे प्रतिनिधि भी हैं श्री जवाहर वर्मा जी, प्रधान जी के पूज्य पिताजी, हमारे बीच ही उपस्थित हमारे पूर्व प्रधान जी राम कुमार प्रजापति जी, बाबा रविदास जी और सभी सम्मानित ग्रामवासियों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ ही में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा के श्री अमृत पाल सिंह जी, हमारे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्री अंकुर सिंह जी। मैं आपका भी आज के कई कार्यक्रम जो आपने आयोजित करे हैं आप सभी के सफल के लिए बधाइयां भी देता हूँ। आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उपस्थित हुए हैं अपनी सभी की शक्तियों को एक करने के लिए, अपने सभी मनों को एक करने के लिए, अपनी सभी सोच को एक करने के लिए। और एक करने के लिए आज हम लोगों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है, बहुत बड़ी वजह भी। आज हम सब लोग एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां पर हम लोगों के आगे कोई विपक्ष नहीं है और ना कोई आगे कुछ बोलने वाला है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जिम्मेदारी सबको साथ लेकर चलने की, सबका विकास करने की और साथ ही साथ सबका विश्वास जीतने, और यही नारा है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास और इसी के साथ साथ सबका विश्वास। और इस विश्वास को कायम करने के लिए सिर्फ हमारा, प्रमुख जी का, प्रधान जी का या जवाहर जी का, किसी एक का प्रयास नहीं लगेगा, इसमें हम सभी का प्रयास लगेगा। और जब हम सभी का प्रयास एकजुट होगा तभी हम लोग, जो हम सब लोगों ने मिलकर एक विकास की राह चुनी है, जो एक विकास का पहिया हमारे क्षेत्र में घुमाया है, इस विकास के पहिए को और बल देने का काम होगा। हम सब लोग भली भांति जानते हैं 2014 से पहले पूरे देश भर में और 2017 से पहले इस प्रदेश में क्या हाल था। 2017 से पहले एक उत्तर प्रदेश को एक गुंडा माफिया प्रदेश के नाम से जाना जाता था। हेलो, कहां किसकी जमीन खाली करा ली जाए, किसकी जमीन पे कब्जा करा लिया जाए, कभी कुछ पता नहीं रहता था। आज जाके खेत जोता, अपना जुताई करी, मेहनत करी काश्तकार ने, दूसरे दिन जाके पता चला कब्जा हो गया। थाने पे गए, बोलने के लिए कोई सुनवाई नहीं। हमारी आज बहन बेटियां सर उठा के इज्जत से अगर कहीं नौकरी करने भी जाती हैं तो उन्हें पूरा अधिकार भी है हमारी युवा बहन बेटियों का कि जाके जिम्मेदारी से आराम से अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती हैं, पढ़ाई करने की सुविधा भी है और सुरक्षा भी। और जब हम सब लोग एक साथ होकर इस ज्ञान की पूर्ति करेंगे तब जाकर हम अपने विकास का राह बना पाएंगे। हम सब लोग जानते हैं, जैसा हमारे अभी प्रमुख जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के तरीके से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश एक बीमारी राज्य की तरह माना जाता था, जहां पर कोई सुविधा का कोई कारण नहीं था, कोई सुविधा का आसार नहीं था, कहीं से भी किसी तरीके का विकास नहीं दिखाई देता था। मुझे भी याद है जब 2022 का हमारे पूज्य पिताजी, स्वर्गीय पिताजी चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही थी और ये बात वाकई सच भी।
17 से 22 के बीच में, पिताजी ने कहा था 17 से 22 के बीच में जितना उन्होंने काम कराया उतना उन्हें 15 साल विधायक रह के उतना काम नहीं करा पाए, इतना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्होंने काम कराया। और ये काम तभी संभव हो पाया जब सरकार की नीयत साफ हो, सरकार की काम करने की क्षमता हो, सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे नेता मजबूत हो, निष्पक्ष हो। अब मैं धन्यवाद करता हूं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, आज उन्होंने ऐसी सरकार बनाई है, आज उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया है कि किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं है कि हमारे गली मजलूम साथियों को, हमारे असहाय साथियों को कोई परेशान कर सके, उनको सता सके, उनके ऊपर कोई कब्जा कर सके। आज किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है, कोई आताताई नहीं है, कोई गुंडा नहीं है जिसके अंदर ये हिम्मत हो, क्योंकि वो बली बात ही जानता है। उनके अंदर ये भय है और ये भय होना भी चाहिए, उनके अंदर ये भय है कि अगर कहीं किसी को परेशान करा, कहीं किसी को मारा धमकाया, कहीं किसी की जमीन पे कब्जा करा, कहीं किसी की बहन बेटी के आबरू पे हाथ डालने की जरूरत करी, तो उनके घर के आगे योगी जी का बुलडोजर खड़ा होगा। ये सब भलीभांति जानते हैं। ये सुशासन दिया है उन्होंने उत्तर प्रदेश को, ये मजबूती दी है उत्तर प्रदेश को, ये छवि दी है, ये मजबूत छवि दी है उत्तर प्रदेश को। हम सब लोग बाहर पढ़ने जाया करते, हम सब लोग जाया करते थे, तंजीब भी आपके यहाँ भी तो कई लोग बाहर जाया करते हैं पढ़ने, हम सब लोग जानते हैं। जब हम लोगों से पूछा जाता था कहाँ से हो, हम लोग बताते थे उत्तर प्रदेश से, बहुत शर्म की नजरों से हम लोगों को लोग देखते थे कि क्या इनके प्रदेश में तो कोई विकास ही नहीं है, कोई राज ही नहीं है, सिर्फ गुंडा राज। लेकिन आज के समय पे जिस छवि के साथ उत्तर प्रदेश को देखा जाता है, आज हम लोग कहीं जाते हैं, बाहर प्रदेशों में जाते हैं, बोलते हैं कहाँ से आए हो आप, लोग पूछते हैं, हम लोग बताते हैं उत्तर प्रदेश से, लोग सीधे बोलते हैं अरे योगी जी के यहाँ से, योगी जी के यहाँ से। ऐसा मान दिया है उन्होंने उत्तर प्रदेश, ये हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। आज हम सब लोग जानते हैं कि योजनाएं दिल्ली और लखनऊ में बैठ के बनाई जाती थी, योजनाएं दिल्ली में लखनऊ में बैठ के सारे नेतागण बना दिया करते थे, लेकिन जो वहां पर बात हो गई उसके बाद जमीन पे उतर के क्या आया, धरातल पे क्या उतर के आया, कोई कुछ नहीं जानता था। ऊपर सारी योजनाएं बन गई, सारी बातें हो गई, सारी कागजी कार्रवाई हो गई, नीचे जमीन सन्नाटा, कहीं कुछ नहीं। लेकिन आज हम सब लोग जानते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जिसके सर के ऊपर छत नहीं थी, आज उसके सर के ऊपर छत देने का काम करा। और आज हम सब लोग अगर यहाँ जिम्मेदारी से, मजबूती से और दम के साथ अगर बोलते हैं कि अगर जिसके सर पे छत आई है उसको बधाई, लेकिन अगर जिसके छत पे जिसको जरूरत है, तो हम सब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जल और स्वच्छ जल हम सभी के जीवन का एक हक है, हम सब लोग हक है, ये प्रकृति ने हमको दिया है, प्रकृति ने हमको दिया है, ये किसी सरकार ने हमको नहीं दिया है, प्रकृति ने हमको दिया है, और इसकी सुविधा हम सभी के पास होनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं ऐसी क्षेत्र में हम लोग के सामने ये दुविधा आ जाती थी कि जल की पूर्ति नहीं हो पाती, कहीं जहाँ पे हमारा तराई क्षेत्र जल है लेकिन साफ जल भी होना बहुत मुश्किल हो जाता था। जहाँ कहीं से क्षेत्र पंचायत प्रमुख बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उनके आकस्मिक निधन के बाद उनके ही पद पर उनके पुत्र भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही लोकप्रिय कर्मठ ऊर्जावान विधायक आदरणीय श्री अमन गिरी जी के नेतृत्व में उनके ही मार्गदर्शन के लिए मैं विकास खंड बिजुआ के क्षेत्र की सम्मानित जनता की ओर से ऐसे ऊर्जावान माननीय विधायक जी को नमन करता हूँ। उनका बहुत बहुत इस ग्राम पंचायत लखरावां की पावन धरा पर स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार माननीय विधायक जी के लिए तालियों से स्वागत करने का कार्यक्रम। सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश में मैं अपने विकास खंड बिजुआ क्षेत्र की सम्मानित जनता की ओर से उत्तर प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को नमन करता हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरंतर विकास की उस प्रतिमा